जमानत पर रिहाई के बाद शहबाज शरीफ की आज फिर एहतसाब अदालत पेशी। आशियाना इकबाल स्कैंडल में साबिक वजीर आला समेत दीगर मुलजमान पर फर्दे जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। शहबाज शरीफ की वकला से मुशावरत मुकम्मल, पेश होंगे एहतसाब अदालत में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कंटेनर्स, खारदार तारें और बैरियर्स जुडिशियल कम्प्लेक्स के इर्द गिर्द रास्ते बंद कर दिए गए। पुलिस ने MNA परवेज मलिक को अदालत जाने से रोक दिया। इंसदाद पोलियो मुहिम, वजीर आला आज गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल में मुहिम का इफ्तिताह करेंगे। सरदार उस्मान बुजदार पाक चीन मुश्तरका रिसर्च सेंटर बराए बफलो के जेर तमाम कांग्रेस में भी शरीक होंगे। नैब में करप्शन केसेस का सामना करने वाले साबिक CTO लाहौर राय एजाज ने जमानत के लिए हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। कैरियर बेदाग है, नैब तफ्तीश मुकम्मल कर चुका है, दरखास्त गुजार। गजुमथा से भट्टा मालिक का 4 साल मुखवी बच्चा बाजियाब। मुलजिमों ने शुएब को एक दरबार में रखा था। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने छापा मारकर 3 मुलजिम अब्दुल्ला, आदिल और फरुख को गिरफ्तार कर लिया। तीनों मुलजिम बच्चे के मोहल्लेदार। पुलिस ने तावान की रकम 25 लाख रुपए और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। फिरोजपुर रोड पर जनरल अस्पताल के सामने तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर मेट्रो बस के जंगले से टकरा गई। कार सवार 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तैयारों की कमी और दीगर तकनीकी वजूहात, लाहौर एयरपोर्ट पर 15 परवाजें ताखीर का शिकार। 26 उड़ान ही ना भर सकी, मुसाफिर परेशान। और शहर में सुबह सवेरे ठंडी ठंडी हवाएं और गहरे बादल, फिर अचानक धूप निकल आई। बारिश भी होगी, मौसम का हाल बताने वालों ने बता दिया।